स्टॉक एक्सरे, आज हम एक ऐसे शेयर की बात करेंगे जिसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी है और आज दुनिया हिंदुस्तान का नंबर वन शेयर बन गया है शेयर प्राइस के हिसाब से। और ये शेयर 4 महीने पहले, आपको यकीन नहीं होगा, केवल 3.5 रुपये चल रहा था और आज इसका रेट 2,36,000 के पार कर हो चुका है केवल 4 महीने में। मैं बात कर रहा हूँ इल्सिड इन्वेस्टमेंट की। 2,36,250 रुपये की इसकी कल की क्लोजिंग देखने के लिए मिली है। एक साल में आप रिटर्न देख सकते हैं, परसेंटेज में इतना रिटर्न आता नहीं है जनरली। वैसे मैं बता देता हूँ, 67.5% का रिटर्न मिला है इस काउंटर में 4 महीने में। 21 जून 2024 को ये 3.5 रुपये का शेयर था, अब ये ऑलमोस्ट 2.5 लाख को अप्रोच कर रहा है। और अगर हम देखें तो इसमें जो अगर किसी व्यक्ति ने 3,500 रुपये लगाए थे, मान लीजिए 1,000 शेयर भी किसी ने लिए थे जून के आसपास, हालांकि इसमें ट्रेड बहुत कम होता था तो इसमें 1,000 शेयर लेना भी एक फाइट थी उस समय पर भी, लेकिन अगर किसी पर 3,500 रुपये के शेयर पड़े भी थे, आज उनकी वैल्यू करीब 23.5 करोड़ रुपये के पार है। तो ये होता है स्टॉक मार्केट, और जब हम कहते हैं ना कि स्पेकुलेशन, जुआ या किस्मत चमकना, तो वो इस कंपनी की चमकी है। अब अगर हम देखें तो अभी तक तो MRFE नंबर वन था, अब इल्सिड इन्वेस्टमेंट नंबर वन हो चुका है इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, लेकिन मार्केट वैल्यू, मार्केट कैप जो देखते हैं उसके लिहाज से नहीं है, लेकिन शेयर प्राइस के लिहाज से नंबर वन है। इसका टर्न अराउंड क्यों हुआ? एक स्टोरी इस कंपनी में बहुत समय से चल रही थी कि इसमें इसके पास एशियन पेंट के करीब 1.28% स्टेक है। आज उस स्टेक की वैल्यू करोड़ में 3,675 करोड़ रुपये है। तो अगर ये स्टेक की वैल्यू पर शेयर देखता है इल्सिड इन्वेस्टमेंट, चूंकि इनकी इक्विटी बहुत छोटी थी, 1,98,000 शेयर हैं जिसमें 75% शेयर तो प्रमोटर के पास है, तो आम पब्लिक के पास शेयर ज़्यादा थे ही नहीं, हज़ारों में ही कुछ शेयर बचे हैं, 50,000 शेयर हार्डली आप मान सकते हैं, 25% 2 लाख का, तो 50,000 से ज़्यादा शेयर किसी पे थे नहीं, तो 50,000 शेयर भी थे। और अगर हम इसके पूरी हिस्से की वैल्यू देखें एशियन पेंट में, तो 1,85,512 रुपये प्रति शेयर बैठती है, यानी कि 2,36,000 में से 1,85,000 तो एशियन पेंट के ही स्टेक की वैल्यू बन जाती है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि ये शेयर अभी भी अट्रैक्टिव है, अभी भी बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है, 5,84,225 रुपये की इसकी बुक वैल्यू है। और अगर हम देखें तो इसमें टर्न अराउंड क्यों हुआ? सेबी ने एक रूल चेंज किया था सही प्राइस डिस्कवरी के लिए, जो होल्डिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं, कि उनको नो प्राइस बैंड के जोन में रखा जाए, यानी कि जो सर्किट लिमिट होती हैं, जो सर्किट्स थे उनसे हट गए थे ये, इनके ऑक्शन के थ्रू इनकी प्राइस डिस्कवरी हुई और ये शेयर चलता चला गया। अगर कोई 3.5 रुपये का शेयर है वो इतना तेज चल ही नहीं सकता अगर उसमें सर्किट्स लिमिट छोटी हो, तो प्राइस डिस्कवरी हुई और इस तरह से काउंटर बढ़ता चला गया। अब अगर हम देखें तो इसकी एक क्वार्टर की EPS जून तिमाही के ही रिजल्ट आए हुए हैं इस कंपनी के, 6,797 रुपये प्रति शेयर है। अरुण सर, मैं यही जानना चाहता हूं सर, ऐसी कोई कंपनी आपके दिमाग में आती है, कोई जहन में आती है सर, कि जिसमें इस तरह का कुछ टर्न अराउंड, हमारे निवेशक कुछ दिवाली से दिवाली तक में करोड़ों पति बन जाएं, कुछ छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके डाल दें, भूल जाएं, उसको ट्रैक नहीं करना है? सर ऐसा है, इस टाइप का विंडफॉल गेन नसीब वाले को मिलता है। मुझे ये नहीं पता कितने लोग अपने बाजार में हैं जो विंडफॉल गेन को डाइजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो टिप मांगी जाती है वो आज मैं ले लूं, कल बेच लूं और पैसे कमा लूं, वो ही चाहते हैं। अगर आप होल्डिंग कंपनी से लिस्ट निकाले तो कम से कम 25 कंपनी ऐसी होगी जो गोल्ड माइन है। उदाहरण के तौर पर आपको 5-7 नाम ले लेता हूं। टाटा की टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्प है, बिरला की पिलानी इन्वेस्टमेंट है, कल्याणी फोर्ज की कंपनी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उनकी होल्डिंग कंपनी है। पुराने जमाने में सब बड़ी कंपनियों की होल्डिंग कंपनी होती थी, लेकिन के प्राइसेस बड़े आर्टिफिशियली, क्योंकि उसमें वॉल्यूम नहीं होता था, सप्रेस किए जाते थे और 40-50% डिस्काउंट आम चीज हुआ करती थी इन शेयरों में। अगर आप होल्डिंग कंपनीज के वैल्यू देखकर शेयर खरीदते हैं, ये जो सेबी का गाइडलाइन आया है उससे आपको कहीं कुछ वेल्थ
क्रिएट करने का मौका मिलेगा। बट ध्यान रखिए, अगर आपको एसेट मिल जाते हैं तो वो आज लिया कल बेचा उस चक्कर में न पड़ना, ये टू बी हेल्ड फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन शेयर होते हैं। बिल्कुल सर, मैं देख रहा था कि अगर 100 शेयर 350 रुपये भी लगाए होते इस शेयर में तो करीब 2.5 करोड़ रुपए बन जाते। और कल मैं अपने बेटे के साथ बैठा था जब मैं पूरा रिसर्च कर रहा था, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया कि ये स्टॉक मार्केट तो बड़ा ही अच्छा है, यहाँ पर तो बहुत ही अच्छे रिटर्न आते हैं। ब्रजेश सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश सर, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, मैं बात कर रहा था, एक ये काउंटर है इल्सिड इन्वेस्टमेंट जो कि 3.5 रुपये का था जून 2024 में, और आज इंडिया का सबसे महंगा शेयर बन चुका है, 236,250 रुपये का हो चुका है। 4 महीने में ही रिटर्न इस काउंटर ने 67.5% के रिटर्न दिए हैं। सर क्या करें सर, कोई आपकी कंपनी में बात होती है इस तरह के शेयर्स पर या कोई अलग शेयर्स पर कि ये लेकर डाल दो, इसको देखना नहीं है, कभी जब इसमें कोई स्टोरी अनफोल्ड होगी कुछ होगा तो इस तरह के रिटर्न दे जाएगा, सर कोई आता है जहन में? और इस काउंटर पर आपकी कुछ रिएक्शन सर? हाँ, सो डेफिनेटली काफी मुश्किल होता है, क्योंकि होता क्या है कि हम रिटेल में जब क्लाइंट्स को दिलाते हैं तो हमको रिस्क वगैरह काउंट करके देना होता है, तो ये ठीक है, ये ऐसे चल गया। बट देन अभी आप अभी करेंट सिनेरियो पे आप देख लीजिए ना, जैसे वोडाफोन है या फिर यस बैंक है या फिर आर पावर है, तो हम कहीं पे भी सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स का इंटरेस्ट रखना काफी जरूरी है। चलेगा नहीं चलेगा वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन हो जाता है। नॉर्मली ये हुआ है वो ठीक है, बट देन हम रिकमेंडेशन नहीं देते और ना ही वो डायरेक्शन में सोचते भी है, क्योंकि ये काफी टफ गेम है और ये इसके प्रोबेबिलिटीज जो सही आने के काफी कम होते हैं और फंसने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, तो मोस्टली हम नहीं वो डायरेक्शन में जाते ही नहीं है। जी तो बिल्कुल, तो स्टॉक एक्सरे में हमने इल्सिड इन्वेस्टमेंट पर बात की। अरुण सर ने बताया अभी कि कुछ इस तरह की कंपनीज होती हैं होल्डिंग कंपनीज। अरुण सर, जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप वो सारी कंपनीज सर एक बार देखिए सर, और हमारे दर्शकों से शेयर करिए सर कि ये कौन सी कंपनीज़ हैं जो हो सकता है पोर्टफोलियो में डाल लेंगे, हो सकता है कि 8-10 साल में कभी भी कोई स्टोरी अनफोल्ड हो तो इस तरह का सर 100 शेयर 350 रुपये के शेयर सर 2.5 करोड़ रुपये के बन जाते हैं, तो ये तो एक ज़बरदस्त चमत्कार है। अरुण सर, लेकिन मैं आपके रडार पर कुछ शेयर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आप रिकमेंड कर रहे हैं दिवाली से दिवाली तक क्या शॉर्ट टर्म के लिए कुछ प्ले करने के लिए। एक शेयर है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, जिसका जिसके हाल ही में नतीजे आए थे, नतीजे अच्छे थे और शेयर में आज भी एक अच्छी चाल आई है। जब मैंने ये स्टॉक पिक लिया था तो करीब 128-129 चल रहा था, करते 131 रुपये पहुंच गया है। ये एक शेयर मेरे टारगेट में है, इसमें एक 24-25 रुपये की बढ़त देख रहा हूँ शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। 154 का टारगेट है, टॉप लॉस 119.40 रुपये है। ये कंपनी का जो मुख्य काम है ये है कॉर्न प्रोसेसिंग, मेज और स्टार्च के कई सारे प्रोडक्ट ये बनाता है, चाहे वो शुगर स्वीटनर हो चाहे वो सॉर्बिटॉल हो जो आपके फार्मा ग्रेड में यूज होता है, और केमिकल्स में काफी कुछ इनका प्रोडक्ट है। दूसरा शेयर जो है मैंने जो सिलेक्ट किया है जी, एक सेकेंड कर रहा हूँ, क्या मैंने डाला था, बजाज हिंदुस्तान। दूसरा शेयर है बजाज, हाँ बजाज हिंदुस्तान डाला है। इसके अंदर में हाल ही में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी, शेयर करीब 32 रुपए के आसपास या उससे थोड़ा नीचे चला गया था, अब एक बॉटम बनाकर वापस संभला है, मौजूदा स्तर 34.50 रुपए का एंट्री प्राइस है, टारगेट इसमें लगता है 39.70-39.80 का ये आ सकता है, और स्टॉप लॉस करीब 1.40-1.50 रुपए के आसपास इसमें आप रखें तो आपको ये शॉर्ट टर्म में मिल सकता है। अगर आप इसका प्राइस मूवमेंट देखें
तो करीब एक महीने पहले ये 43-44 भी पहुंच चुका था, जहां से बाजार में एक गिरावट देखने को मिली थी। तो शुगर सेक्टर में एथेनॉल स्टोरी बहुत बड़ी चल रही है, कोजेन भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, ये दोनों चीज के कारण ये कंपनी में अपसाइड दिखता है। बिल्कुल, तो अरुण सर ने दो स्टॉक बताए हैं, बजाज हिंदुस्तान जहां पर कि 39.80 रुपये का टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा है, 1.40 रुपये का, 34.50 पर यह शेयर चल रहा है। और दूसरा काउंटर गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट GAEL के नाम से काउंटर आता है, 131 रुपये पर चल रहा है और करीब 33 रुपये ऊपर के टारगेट हैं और 12 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस है। अरुण सर आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू।